बीजिंग ओलंपिक बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ था बीजिंग ओलंपिक। शानदार ओपनिंग, जानदार क्लोजिंग। चीन ने खेलों के सबसे बड़े मेले का सफलतापूर्वक आयोजन किया था, लेकिन एक बार फिर ओलंपिक पर लगा है डोप का डंक। बीजिंग और लंदन ओलंपिक के 9 मेडल विजेताओं के नमूनों की दोबारा जांच में प्रतिबंधित दवाओं के सेवन की पुष्टि हुई है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने उनके मेडल वापस ले लिए हैं। बीजिंग ओलंपिक के 6 एथलीटों से मेडल वापस लेने के अलावा 3 और को अयोग्य करार दिया गया है। इन सभी को स्टेरॉयड के लिए पॉजिटिव पाया गया था। लंदन ओलंपिक में स्वर्ण मेडल जीतने वाली कजाकिस्तान की 3 फीमेल वेटलिफ्टरों से मेडल वापस ले लिए गए हैं। जिन एथलीटों से मेडल वापस लिए गए उनमें जुल्फिया चिंशालो, माया मनेजा और श्वेतलाना पोदोबेदोवा के नाम शामिल हैं। बीजिंग में 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने वाले उज्बेकिस्तान के पहलवान सोस्लान तिलिये, यूक्रेन के वेटलिफ्टर ओल्हा कुरुबका, बेलारूस की वेटलिफ्टर आंद्रेई रिबाकू को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का दोषी पाया गया है। कजाकिस्तान के सिल्वर मेडल विजेता फ्रीस्टाइल पहलवान तेमुराज तिगियेव, ब्रॉन्ज मेडल विजेता बेलारूस की वेटलिफ्टर नतासिया नोविकावा, बेलारूस की ही ब्रॉन्ज मेडल विजेता एक्टेरिना को भी डोप में फेल पाए जाने के बाद अपने मेडल गंवाने पड़े हैं।